बुजा जी, पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा कभी था या अब है? मेरी जिंदगी में चैन और करार की पहले ही बड़ी कमी है तुम्हें। और सच्ची बात ये थी, उसकी मुझे ऑफर्स हुई थी दो दफ़ा पीपल्स पार्टी से, थी मेरे अब्बा की ज़िंदगी में भी, फिर एक और साहब के ज़रिए भी, फिर MQM से भी हुई थी। मैंने उनका इंटरव्यू किया था ना अल्ताफ़ हुसैन साहब का, तो तब भी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे जो 100-150 फ़ैन हैं ना, 75 इधर हो जाएंगे तो 75 उधर हो जाएंगे। और अगर जो मैंने छोटा मोटा एक आदम फ्लैट बनाया होगा, कहेंगे कि फ़लानी बेईमान की बच्ची, इसने फलाने से लिया होगा, ये चलाको मासी ने फलाने से लिया होगा, और साफी साहब मेरा ही इंटरव्यू कर रहे होंगे। सोहेल बड़ाई साहब मेरे बेडरूम में आके मेरे बिस्तर पे बैठ जाएंगे और कहेंगे आपने पैसा तो खूब कमाया है, इतनी दौलत कैसे इकट्ठी की थी। देखा ना, तो बड़ा एक साहब को डांसरों से पूछ लेते, तो मेरे से तो सबसे पहले पूछ लेते। हालांकि डांसरों का सबको पता कि कैसे बनाया उन्होंने सिवाय इनके। मगर फिर जाहिर है, फिर उनके बेडरूम में कुर्सी पे बैठने का मजा ही कुछ और है। वो खुद बिस्तर पे चढ़ी हुई थी और मजाल जो उनको कहा, आप भी मेरे साथ वाले तकिए पे बैठ गए। मैं बल्कि हैरान थी उनकी किस्मत पे कि उनके घर में सोहेल बड़ाई चले गए। पता नहीं कौन थी, अल्लाह जाने को भूल नार थी कि कौन थी, मतलब उसका आता पता ही नहीं था मुझे कौन है। बाहर मेरी भी खुशकिस्मती कि मेरे साथ भी एक दिन उन्होंने जियो में एक दिन मनाया था। अच्छा, बहुत साल पहले। मेरे वालिद के कबीले के लोग हैं ना, मुझे इनके साथ सबसे बहुत एक उनसियत है। मिलूँ ना मिलूँ अलग बात है, लेकिन है। अच्छा, वैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपका? शोज देखती हैं, साफी साहब का शो देखती हैं? हाँ बिल्कुल देखती हूँ, और बहुत से शोज नहीं देखती मगर वो नज़र आ जाते हैं। नहीं भी देखना चाहती तो देखने पड़ते हैं, क्योंकि बाखबर रहने की तो वो तो अपने बस में है ना, कुछ चेंज करना अपने बस में नहीं है। बहुत से लोगों से डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन आजकल मैं ये पिछले कुछ अरसे से सोच रही होती हूँ कि मेरे अब्बा बहुत दबंग और बहुत सच बोलने वाले, बदतमीज़ी की हद तक सच बोलने वाले सहाफ़ी थे, और ये सब लोग उनको जानते हैं और बहुत मानते हैं, क्योंकि वो सच की बड़ी कीमतें अदा करके गए हैं, बड़ी प्राइस पे की। हमने भी कहीं किया है, हम कभी कार पे होते थे, कभी बस में होते थे, क्योंकि अब्बा हंसते हुए आ जाते थे, नौकरी से निकाल दिया। ये चैनल थोड़ी थे उस वक्त, अखबारों में लिखने वाले सहाफ़ियों के तो वो हालात नहीं थे ना, लेकिन वो अपने उसूलों पे, अपने आदर्श पे टिके रहते थे, उनको कोई नहीं हिला सकता था, ना उनसे कोई इंटरव्यू करवाता था, ना उनसे कोई ज़बरदस्ती का सॉफ्टवेयर अपडेट करवा सकता था। मज़े से बस में चढ़ के वो आ जाते थे, और कान पे पेंसिल लगाई होती थी, और एक दफ़ा, मतलब पढ़े लिखे आदमी थे वो, ब्यूरोक्रेट भी थे एक ज़माने में, और बहुत आगे तक भी जा सकते थे, नौकरियाँ छोड़ देते थे खैर कई, और अखबारों वाले उनको निकाल देते थे, सारे अखबारों से निकाले जाते थे। हंसते हुए आते थे, फ्रूट लेके आते थे उस दिन ना, तो मम्मी को कहते थे हाँ जी, फिर आज मैं क्या बड़ा अच्छा मिलता पे, असी किन्नू तो लेके आया थे फलाना, कर दिता नौकरी तो। तो परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। पहले पर मेरी अम्मी अल्लाह की कसम बड़ी अच्छी औरत थी ना, उन्होंने रोने रट्टे मचाए ना, उन्होंने वहाँ वहाँ की, मैं कह रहा हूँ इतना अगर कोई निकाला जाए तो औरत को तो पता ही चल जाता होगा, भाई किलो आम लाया था, कटिया गया। अच्छा फिर की करिए। अब अजीब सी थे, वैसे अजीब से थे, कह देते थे वो हमारे घर चोरी हो गई थी इस्लामाबाद में। अब्बा उस वक्त थे ग्रेड 22 के अफसर थे, डायरेक्टर जनरल थे स्टेट फूड अथॉरिटी के, तो लाहौर वाले घर में हम थे, तो वहाँ पे मेरे छोटे बहन भाई थे, तो रात को वो सो रहे थे, तो डाकू आए तो सामान लूट के ले गए। अब अब्बा को पता चल गया, अम्मी से कह रहे हैं उन्हें अंडा खा ले, उन्हें खा ले नाश्ते बिच, अज परौठा खा ले, फलाना कर ले, और लेके अम्मी चंगी तरह खा पी ले। उन्हें की होया? नहीं कुछ नहीं होया। तो मैं क्या गाजरें बड़ी अच्छी आई, मतलब खिला रहे उनको ना। कहते कोई नहीं, साढ़े घर उत्थे चोरी हो गई, चोर पेंसिल भी नहीं छड़ के गए, बच्चे तेरे बच गए ने, परेशान हो गई असमा और मेरा भाई थे, तेरे बच्चे बच गए ने, बटन मैंने कहा बच्चे ठीक, बस मुक्की गल, समान दी ऐसी तैसी। तो वो कुछ और ही कमाश के लोग थे। आपको देख के अंदाज़ा होता है कि आपके वालिद कैसे होंगे? बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी थे, और मसावात के एडिटर थे एक ज़माने में, सब अखबारों में लिखा, जियो में, अपना सॉरी जंग में, इमरोज़ में, पाकिस्तान टाइम में, सब स्टार में, तो मसावात के एडिटर थे भुट्टो साहब उनके, जाहिर है मसावात उनका अखबार था, उनके खिलाफ ही लिख दिया, पता नहीं क्या किया उन्होंने, पता नहीं मिले जिनके, तो उन्होंने निकाल दिया जाहिर है।
तो मगर बड़े फख्र से आते, मतलब कुछ दफा सही भी निकाले गए। नहीं नहीं मतलब उन्होंने सच ही बोलना होता था। हाँ, और मैं कहती हूँ हम लोग बाद में कहते हैं अब्बा को बड़ा शौक था कि उनको कोड़े लगे, अब्बा को जेल जाने का बड़ा शौक था कि मैं आया हूँ देखा है और मेरे पीछे आएंगे ना, गए नहीं जेल कभी शुक्र अल्लाह का, बच गए। फिर एक दफ़ा सच्ची बात है, बहुत सी किस्से ड्राइंग रूम में जैसे होता है आपके यहाँ भी, बैठक में मेहमान आते हैं, सहाफ़ी आते हैं, तो अंदर चाय जाती है जैसे मेहमान आए हैं, तो हम एक दफ़ा आवाज़ें ज़ोर ज़ोर की अब्बा की और सारी गालियाँ जोर की जी, मतलब मुगल जात टाइप मुझे आ रही है समझ। हमने कहा है अल्लाह डर गए कि किसी की बेसी निकल फ्रे तेरी पंजाबी में ना, अब वो चला गया तो अम्मी गई हम लोग ही हुए हैं, अब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ कि वो लोग अभी वापस आए हैं। बुरी बात है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मैं ऐसी बातें नहीं करती किसी की तबीयत पे। खैर उनकी उनके तरफ से कोई बंदा आया था फलाना टिंगड़ा, उसका नाम लेके ना मैनू लिफाफा देना ऐसी, मैनू लिफाफा देना ऐसी, मैं तो लिखो तेरी कोई अच्छा। अब हमने तो ना कहा कि लिफाफे में चेक तो कर लेते क्या। तो वो था उनका एक, और वो इसी फख्र के साथ, और हम भी वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, वेरी प्राउड ऑफ हिम। लेकिन अब इस जमाने में अगर वो जिंदा होते तो रोज़ मरते अच्छा हुआ अब 25 साल पहले चले गए। और आखिरी दिनों की एक बात ज़रूर कहूँ अहमद बशीर के बारे में, तो 6 सेशन भी कम है। सफदर मीर और मेरे वालिद बहुत गहरे दोस्त थे, सहाफ़ी बिरादरी, उनको जीनों के नाम से लोग भी उनके कॉलम पढ़ते थे, तो आप दोनों रोज़ शाम को शतरंज खेलते थे। शतरंज बड़े जहीन लोगों का गेम है, हमारे घर में हर वक्त शतरंज अब्बा खेलते थे। तो दोनों ने आखिरी दिनों में एक अजीब सी मायूसी थी, कहते हमारा दिल नहीं चाहता लिखने को क्योंकि हम नाकाम हो गए हैं, हम रेवोल्यूशनरी लोग, हम कॉमरेड लोग, हम आइडियोलॉजी पे चलने वाले आइडियलिस्टिक लोग, हमारी कोई तरकीब नहीं चली, हमारा दिल नहीं चाह रहा कि अब हम लिखें। और वो यकीन है आप में से भी बहुत से लोग कभी कभी चाहते होंगे कोई परचून की दुकान ही होती तो अच्छा था, या कोई स्टेट एजेंट का काम कर लेते तो, क्योंकि जब आप एक स्ट्रगल में रहते हैं और कोशिश करते हैं, मतलब जितने भी लोग आइडियली पाकिस्तान की तामीर में या किसी चीज़ में चाहते हैं कि कुछ सीखो, वो नहीं हो पा रहा, तो वो मायूसी कई दफ़ा आती होगी और जाती होगी, लेकिन फिर इतना महंगाई है, एसी वाले घर की आदत भी पड़ जाती है और फिर अच्छी गाड़ियों की भी आदत पड़ जाती है, फार्म हाउसेस की आदत भी हो जाती है ना। तो कैसे छोड़ें फिर लिफाफा, इतना बुरा नहीं लगता। नहीं अब लिफाफे का मैं नहीं कह रही, तनख्वाहें अच्छी है ना, लिफाफे का तो अल्लाह ही जाने किसको मिलता है किसको नहीं, और कितना बेसिकली अब इनकी सैलरीज बहुत अच्छी हो गई हैं इनकी पेरोल पे, जिन पे जिनके साथ भी लोग, तो वो सहाफत जो उस वक्त की थी जो पेंसिल लगा के कागज़ लिखने वाले सहाफ़ी थे उनकी और स्ट्रगल थी, अब सहाफ़ियों की, अब तो उनके जान के लाले अल्लाह ने सबको खैरियत से रखे, ख़तरनाक काम करते हैं।